ये है रामलाल। बड़ी खुश हुई आपसे मिलके। आपके मेरे को देखने जरा। देख ले, देख लीजिए। नोट तो बिल्कुल असली लग रहे हैं, लेकिन हिसाब किताब क्या होगा? 1 लाख असली के बदले 2 लाख जाली। ए, अंदर तो कुछ घपला चल रहा है। हा? फिर तो पुलिस को खबर करना चाहिए। चल चल। देखता नहीं क्या? मेडल। वो तो मैं देख रहा हूँ। अरे एक इंस्पेक्टर तो सारे मेडल लगाता है क्या? कमिश्नर है तू? ऊपर को पहचान लेता तो? जब तक कोई असली पुलिस वाला नहीं मिलता, हमको कोई पहचान नहीं सकता कि हम नकली पुलिस वाला है। मगर हाँ, तुम्हारी भिखारियों जैसी शक्ल देखकर ये जरूर मालूम पड़ता है कि तुम लोग असली हवलदार नहीं हो। अरे असली हवलदार तो हमसे भी गए गुजरे होते हैं आजाद भैया। भैया अबे, दूध बेचने वाले को भैया, दिल लगाने वाले को सैया और जन्म देने वाले को मैया कहते हैं। आज बहुत टेढ़े मेढ़े सवाल कर रहे हो, इसलिए सजा के तौर पे तुम लोग टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों से जाओ और हम जाएंगे लिफ्ट में। हाली वाली। यस सर। हो हो। वर्दी पहन के असली पुलिस वालों की तरह नाटक मत कर। चल चल। खली बोली। Thank you.
ताला आजाद आया रे, खुशियां लाया रे, उतरा उतरा चेहरा फिर से चमकाऊंगा, सारे जहां की खुशियां मैं तो लूट के लाऊंगा, आजाद आया रे, खुशियां लाया रे। आजाद भैया ने जब सबको 100-100 के नोटिस दिए हैं तो क्या करें? क्या करें? हम उनसे ये कहें कि धंधे से वापस आओ तो सिर्फ चिल्लर लेकर आए करो, हम अपना नुकसान करें। बोलो ना काका। अरे वाह आजाद भैया वाह, तुम्हारे जैसे 10-5 और पैदा हो जाए तो भिखारियों के घरों में भी दावतें होने लगे दावतें। किस बात की रिश्वत दे रही हो माता को? तुम्हारी रक्षा के लिए। तुम जब जब पैसे की खातिर कोई गुनाह करते हो ना, तब तब मैं माता को भेंट चढ़ाकर प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, इस बार आजाद को पुलिस से बचा लेना। और माँ तुम्हारी प्रार्थना सुनकर मुझे बचा लेगी, है ना? और नहीं तो क्या, माता की कृपा के कारण ही आज तक पुलिस ने तुमको नहीं पकड़ा। मगर ऐसा कब तक चलेगा आजाद? एक न एक दिन तो तुम पुलिस के हाथ लगोगे ही। क्या होगा उस दिन? अरे जो होगा देखा जाएगा।
मुझे किसी बात की परवाह नहीं, अगर परवाह है तो सिर्फ अपने बस्ती वालों की खुशियों की। लेकिन मुझे तुम्हारी परवाह है आजाद, जिस दिन तुम्हें कुछ हो गया उस दिन मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। आजाद, एक बात तुम्हें बिल्कुल भूल ही गई। अब क्या हो गया भाई? पोस्टमास्टर काकर से मैं कुछ अर्जियां मांगकर लाई थी तुम्हारी नौकरी के लिए। चलो इन पर दस्तखत करो। इन पे दस्तखत करने से मुझे नौकरी मिल जाएगी? मिलेगी क्यों नहीं, तुम मेरे जैसे अनपढ़ थोड़ी हो, बीए पास हो। चलो इन पे दस्तखत करो। अरे भाई मैं नौकरी? तुम दस्तखत करो तो। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए कर देता हूँ, मगर इतना समझ लो कि नौकरियाँ कोई तुम्हारे मंदिर का प्रसाद नहीं जो इतनी आसानी से मिल जाएगी। तुम कह रहे हो तो सही। ए, अरे ये क्या, पुलिस की नौकरी के लिए फॉर्म भरवा रही हो? क्यों, पुलिस वाला बनने में क्या खराबी है? रूपा तुम सचमुच बहुत भोली हो। हम मुजरिमों की तस्वीरें तो पुलिस स्टेशन की दीवारों पर लग सकती हैं, मगर हम पुलिस स्टेशन की दीवारों के अंदर काम नहीं कर सकते, पूरा पुलिस स्टेशन उल्टा हो जाएगा। तुम चुपचाप दस्तखत करते हो कि नहीं? ठीक है कर देता हूँ, मगर मैं पुलिस वाला कभी नहीं बन सकता। ये लो कर दिया। अब इस पर भी। क्या हुआ? मैं किसी फैक्ट्री के फॉर्म पर दस्तखत नहीं करूंगा। हमेशा फैक्ट्री का नाम लेते ही तुम्हारा चेहरा लाल पीला क्यों हो जाता है? आखिर फैक्ट्री में काम करने में हर्जी क्या है आजाद? काम करने के बाद अपना हक मांगो तो खून करवा देते हैं मालिक लोग। चिकनी गोरी गोरी खूबसूरत लड़कियां मिलती है ना, उन सब तो हम भाभी कहकर ही पुकारते हैं। यह हमारे भैया का हुक्म है। कौन है वो तुम्हारा बदतमीज भैया? ए जवान जवान की बात कर, वरना भैया आएंगे तो तेरी सारी हवा निकाल देंगे। क्या कहा भैया? तुम्हें तुम्हारी गिल्ली चाहिए ना? वो मैं तुम्हें दिला करूंगा। भैया, अरे ये गुलेल छोड़ो और जल्दी से कोर्ट चलो। कोर्ट? कोर्ट क्यों? अरे केस मिल गया आजाद भैया, गांव से एक हरामी जमींदार आ गया है, उसको अच्छे वकील की जरूरत है और उसके पास एक बैग भी है जिसमें 1,00,000 रुपया है। खाली भली आइए सर जी, आइए बैग में बैठ। वो देखिए, वो रहे मशहूर वकील कालीचरण विश्वनाथ जी। जल्दी चलिए, चले जाएंगे वो। चलिए चलिए। वकील साहब ऐसा मत कीजिए, एक आप ही तो हैं जो मुझे इस खून के इल्जाम से बचा सकते हैं। जरूर बचा सकते हैं, लेकिन 1,00,000 रुपए लूंगा। हमें मंजूर है सर, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। साहब साहब साहब, ये बड़ी दूर से आए हैं साहब, इनका केस ले लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी साहब। केस क्या है? हम अपने गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं वकील साहब, हमारे खेत में तकरीबन 300 मजदूर कुत्ते काम करते हैं। इन कुत्तों को पिछले 10 वर्षों से हम 10 रुपए मजदूरी देते आए हैं वकील साहब, अब वो हराम ज्यादा 12 रुपए मजदूरी चाहते हैं। अब आप ही बताइए वकील साहब, मेरी जूठन पर पल्ले वाले जब मुझसे बदतमीजी करें, मुझसे जबान लड़ाएं, तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बस मैंने अपने आदमियों से थोड़ी सी उनकी पिटाई करवा दी। और वकील साहब मुझे क्या मालूम था कि एक मजदूर कब्र में पांव लटकाए अपनी मौत का बहाना तलाश कर रहा था, एक ही लाठी में साला मर गया। और वकील साहब अब उन हरामजादों ने मुझ पर केस कर दिया है कि मैंने उनके एक आदमी को मार डाला। आप ही बताइए मुझे वकील साहब। कमीने, अपनी मेहनत और खून पसीने से कमाई हुई मजदूरी मांगने वाले को तू नमक हराम कहता है? तुझे मालदार बनाकर खुद गरीबी की जिंदगी बसर करने वाले मजदूर को तू कुत्ता कहता है? काम के मुताबिक मजदूरी मांगने पर तू उनका खून करवाता है? आजाद भैया होश में हो, क्या कर रहे हो? हाँ, ऐसा पूछेगा सरकारी वकील तो जानते हो मैं क्या जवाब दूंगा? क्या? मैं फौरन दफा 420 उठाकर यहाँ रख दूंगा। दफा 420? हाँ 420। फिर सरकारी वकील क्या करेगा मालूम? क्या? वो दफा 840 उठाकर यहाँ रख देगा। अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगा,
मैं दफा AK-47 उठा लूंगा। AK-47? ये तो किसी बंदूक का नाम है ना। बेवकूफी मत करो, वकील साहब नारा दे देंगे। कोई बात नहीं, आज निर्दलीय समझ जाएंगे तो फिर वो सरकारी वकील क्या करेगा, वो दफा दो और दो पांच लगा देगा। लेकिन मैं नहले पे थैला लगा दूंगा, वो ताला लगाएगा मैं मीसा लगा दूंगा, वो अंदर करेगा मैं बाहर कर दूंगा, और इस अंदर बाहर के खेल में आखिर में दफा 9, 2, 11 उठाकर उनके मुंह पर मारूंगा और आपको केस से छुटकारा मिल जाएगा। यू विल विन द केस। आपका बैग। जज साहब ने आपको सलाह मशवरा के लिए अंदर बुलाया है। जज साहब क्या आदमी है, यानी जज साहब भी उससे मशवरा करते हैं। टैक्सी टैक्सी, ये टैक्सी वाला भी बगैर किराया लिए चला गया। क्या चाहता है, बैग भारी कैसे हो गया। इन 1 लाख रुपए में से हम सबको एक एक स्कूटर दिला दो ना। चुप्पे, तू स्कूटर की बात कर रहे है, हमारे आजाद भैया तो हमारे लिए मारुति कार लेंगे। चुप। हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे, क्या इन बालिकों के दिल कभी नहीं पिघलेंगे। हम इनकी दौलत में हिस्सा नहीं मांगते, इनके ऐशो आराम में हिस्सा नहीं मांगते, हम तो सिर्फ अपने बच्चों के लिए आधी रोटी मांगते हैं। हम मालिकों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी मांगे पूरी कर दीजिए। अगर ये हड़ताल 2 दिन और चली तो भूख से तड़पते ये बच्चे बेमौत हो जाएंगे। मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन, मजदूर यूनियन। अरे ये तो कोई देवता है, देवता है, देवता। इतनी मेहनत से पैसे कमाया, रस्ते में फेंक दिए। 1 लाख रुपया कुछ चंदे में देता है क्या, वो तुम्हारे रिश्तेदार रखते क्या। अरे भाई हम लोग कब से बकबक कर रहे हैं, तुम कुछ तो जवाब दो। अरे बोलो ना, तू पैदा कहाँ हुआ था। क्यों, अरे कहाँ पैदा हुआ था बोलना। म्युनिसिपैलिटी के अस्पताल में। और तू। मैं तो अस्पताल जाते टाइम रिक्शे में टपक गया था। और तू। मैं तो घर में पैदा हुआ था। तू। मैं सिनेमा थिएटर के अंदर। तुम जानते हो मैं कहाँ पैदा हुआ था। अस्पताल में। रिक्शा के अंदर। घर में। सिनेमा थिएटर में। नहीं, खेल में। जेल। आज दिन में जो तुम लोगों ने हड़ताल देखी थी, ऐसी एक भूख हड़ताल बरसों पहले भी हुई थी, वो मेरे बाबूजी ने की थी। साथियों, हम ये हड़ताल मालिक को परेशान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। उस हड़ताल में मैंने भी हिस्सा लिया था, अपने माँ के पेट में। हड़ताल का हमें कोई शौक नहीं, हड़ताल से मालिक का सिर्फ काम बंद होता है। हमारे तो घरों में चूल्हा जलना बंद हो जाता है, हमारे छोटे छोटे बच्चे रोटी के लिए तरस जाते हैं, मगर क्या करें, मजबूरी की हद पर ही हमें हड़ताल का सहारा लेना पड़ता है। हमें शिकायत इस बात की नहीं है कि मालिक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, और हमें शिकायत है तो सिर्फ इस बात की कि हमारे पास जीने के लिए बुनियादी सहूलतें भी नहीं है। मालिक आ रहे। मजदूर यूनियन, इंकलाब। अच्छी खासी चलती हुई फैक्ट्री बंद करवा दी सत्य प्रकाश ने, हर रोज लाखों का नुकसान हो रहा है मेरा। अगर 10-15 दिन यूं ही हड़ताल चलती रही मेरा तो दीवार निकल जाएगा। समझ में नहीं आता मिश्रा, क्या करूं इस यूनियन लीडर का, ना तो आराम ज्यादा बिकता है ना टूटता है। गर्ग बाबू, हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं कि जो आदमी न टूटता हो न बिकता हो उसका एक ही इलाज है, मौत। अरे घबराओ नहीं, तेरे दामन में दाग नहीं आएगा, अपनों काट कर है ना, चाकू में एक्सपर्ट, उस लीडर को हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाई देगा। ऐसे लक्ष्मी, ये लो तुम थोड़ा सा खाना खा लो। मैं नहीं खा सकती,
आज पूरी बस्ती में किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है, मैं अकेली कैसे खा लूं? मुझे सब मालूम है लक्ष्मी, मगर इस हालत में तुम्हारा भूखा रहना ठीक नहीं है। तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा जो पल रहा है, तुम्हें उसके लिए कुछ ना कुछ खाना ही पड़ेगा। तुम्हारा बेटा अभी से इस भूख हड़ताल में हिस्सा लेगा, तभी तो बड़ा होकर मजदूरों का मसीहा बनेगा। जिद मत करो, कुछ खा लो। नहीं, देखो तुम्हें मेरी कसम है, आ करो। कौन तुम, क्या चाहते हो? तुम्हारी जान। सबूतों और गवाहों के बयानात से यह साबित होता है कि मुलजिमा राजलक्ष्मी के काटकर नाम के आदमी के साथ नाजायज संबंध थे। जिस दिन यह कत्ल की वारदात हुई, उस दिन मुलजिमा के पति सर प्रकाश ने मुलजिमा को अपने यार के साथ रंगरलिया मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और अपनी काली करतूतों को छिपाने के लिए मुलजिमा ने अपने पति का बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। मुलजिमा का यह जुर्म सख्त से सख्त सजा के काबिल है, लेकिन मुलजिमा गर्भवती है, इसलिए अदालत रहम का बर्ताव करते हुए उसे 7 साल कैद की सजा सुनाती है।
लक्ष्मी, आज से तुम्हारी सजा खत्म। पोसा, प्यार दिया, कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी मेरे सब कुछ बन गए। बस उसी दिन से जब भी मैं किसी गरीब को भूखा मरते हुए देखता हूं तो मेरे अंदर से एक आवाज आती है, आजाद मिटा दे उनके दुखों को, चाहे उसके लिए तुझे कितने ही पाप कितने ही जुर्म क्यों ना करने पड़े। आजादी मिलने के बाद भी आज तक इस देश के गरीब गुलाम है, गुलामी की वो जंजीरें तोड़कर उन्हें आजादी दिला सकूं, इसलिए मेरी माँ ने मेरा नाम आजाद रखा जेल की कैद में। जिन लोगों ने तुम्हारे माँ बाप का खून किया तुमने उनसे बदला नहीं लिया? उन सालों की शक्लें नहीं देखी थी मैंने, वरना पाताल में भी जाकर ढूंढ निकालता। इसलिए जब भी मैं किसी अमीर को लूटता हूँ ना, एक अजीब सा सुकून मिलता है मुझे, ऐसा लगता है जैसे उन आरामजादों से अपने माँ बाप की मौत का पता ले रहा हूँ। आजाद, ये जलेबी तो तू बेचेगी नहीं? ये तो मैं खुद खाऊंगी। अरे पगली, जब तू बचपन से चाहती है आजाद को तो उसे बोल क्यों नहीं देती? ये बातें बोली थोड़ी जाती हैं, समझी जाती हैं। आ चल 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 चल। अरे सॉलिड मुखी पतंग रे। आ चल 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 ढीले। अरे ढीले ना रे, ढीले ढीले। देखा, वो खाली बच्चों के साथ खेलना जानता है और पतंग उड़ाना जानता है, तेरे दिल में उसके लिए क्या है वो क्या समझेगा? एक दिन वो सब कुछ अपने आप समझ जाएगा और खुद मुझसे आकर कहेगा, रूपा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे तू बस दिल छोड़ता जा, छोड़ता जा रे, दिल की खाली कर दे तू। अरे अरे पतंग कैसे गिर गई? अरे कहाँ जा रही है यार? अरे यार उधर टेरेस में फंस गई हो। हाँ उधर ही गिरने वाली है। हाँ अरे अरे भुवन हॉस्टल में कहाँ गई? चल चल भाई। हाँ करता हूँ। अरे अरे मिल गई। ला 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 ला। गुल्ली वाली? अरे वैशाली, जरा मेरा टॉवल देना तो। ओफ हो, हर रोज भूलकर चली जाती है। मैं नहीं देने वाली हूँ टॉवल वॉल। अरे बाबा, कल से नहीं भूलूंगी, प्लीज आज आखिरी बार दे देना। तू खुद बाहर आकर ले ले, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो तुझे रेप कर देगा। कभी टॉवल, कभी ये, कभी वो। वैशाली, आजकल तेरे नखरे बड़े। अरे हिरदा, जरूर बालकनी में खड़े खड़े किसी लड़के पर लाइन मार रही होगी। पकड़ लिया। सो मुझे। पकड़ लिया। इडियट, लीव मी। सो।
बोल शालू, लड़की को मानना पड़ेगा। हाय क्या छलांग मारी, हाय मेरा तो दिल ही ले गया साथ में। इसकी जगह मैं होती तो उसको कमरे के बाहर धक्का मारने के बजाय कमरे में ही दबोच के रख लेती। मगर ये है ना सती सावित्री की छठी औलाद। अरे बड़ी मुश्किल से तो एक मुर्गा आया था इस पोल्ट्री फार्म में, मगर कुकड़ों को करने से पहले ही भगा दिया बेचारे को। चुप रहो, कुछ शर्म वरम नहीं है तुम लोगों को। बस एक बार और मुझे वो मिल जाए फिर दिखा दूंगी मैं उसे। पूरा नहीं हुआ। मैं कहती हूँ नीचे उतरो। अरे कमाल है, तुम जब चढ़ने के लिए का तो मैं चढ़ जाऊँ और उतरने के लिए का तो मैं उतर जाऊँ। माफ करा ये क्या यू? लड़कियों को छेड़ने वालों को पुलिस क्या सजा देती है ये तुम्हें मालूम नहीं है, और तुमने एक ऐसी लड़की को छेड़ा है जो खुद पुलिस में है। मवाली गुंडे चल मेरे साथ। देखो देखो मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे पता ही नहीं था कि तुम सचमुच पुलिस इंस्पेक्टर हो। पहली बार तो मैं तुम्हें कपड़ों में देख रहा हूँ। क्या मेरा मतलब पहली बार मैंने तुम्हें इस शानदार वर्दी में देखा है। उस दिन तुम्हें बिना कपड़ों में देखने की जो मुझसे गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन क्या करूं उस दिन के बाद मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्यार? तू मुझसे प्यार करेगा? गुंडा मवाली होकर एक पुलिस वाली से प्यार करेगा? अरे अरे ये प्यार का मामला ही कुछ टेढ़ा होता है। ड्राइवर अपनी मालकिन से प्यार करता है, डॉक्टर नर्स से और बॉस अपनी सेक्रेटरी से, लेकिन एक लोफर एक पुलिस वाली से प्यार करे ये बात कुछ नहीं लगती है ना। शट अप यू। बैठिए। चल बैठो, चल चल। जी का बेटा है और वो नेता मेरे पिता समान है, उन्होंने मुझे ये नौकरी दिलवाई है। नहीं लिखूंगा मैं तुम्हारी रिपोर्ट, दफा हो जाओ तुम लोग यहाँ से। कैसे दफा हो जाए साहब? उस कमीने ने मेरी जवान लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की है। अरे जवान लड़की की इज्जत नहीं तो क्या तेरी? फ्रिज खरीद कर उसमें उनको रख सकते हैं, इतना पैसा इनके पास। तेरे पास क्या है? बर्फ का एक टुकड़ा खरीदने की औकात है तेरी? आप गलत मत समझना साहब, ये साले जाहिल गवार अनपढ़ इन लोगों की इतनी हिम्मत कि आप जैसे हरामी कुत्ते के सामने, मेरे मतलब आप जैसे पढ़े लिखे अफसर के सामने जबान चलाए? ये साले गरीब गधे सिर्फ वोट देकर लोगों को नेता बनाना जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि नेता बनने के बाद उनके हाथ में कितना पावर आ जाता है, वो कितने ऐसे लोगों को इंस्पेक्टर बना सकते हैं। भैया ये कोई जहांगीर का दरबार है,
जो तुम लोग घंटी बजाओगे और तुम्हें इंसाफ मिल जाएगा। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो निकलो निकलो, चलो भैया निकलो निकलो। अरे जाओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ। आप गलत मत समझिए साहब, आप एक काम कीजिए, आप अपने नाम के बीच में से ये बिंदी हटा दीजिए और ए लगा दीजिए, तो आपका नाम आपके धंधे के हिसाब से एकदम फिट हो जाएगा, डीलाल से दलाल। यह बदतमीजी तूने पुलिस स्टेशन में की इसलिए बच गया, बाहर करने की हिम्मत ना करना वरना हाथ काट कर गले में लटका दूंगा। आजाद, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? क्या हम उस नेता की बेटी को ऐसे ही छोड़ देंगे? उस कुत्ते को सबक मैं सिखाऊंगा। साले चोरू के भाई को साला, पैसे वाले को लाला, और तेरी तरह कीड़े जहां बहते हैं उसे कहते हैं नाला। आज के बाद तूने किसी भी लड़की पर बुरी नजर डाली तो तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी लड़की से नजर मिलाने के लायक नहीं रहेगा। इतना हिम्मत उस गटर में रहने वाले कीड़े का, मैं उसका सारा का सारा खून नाले में बहा दूंगा। चल भाई। अरे ठहर जा भाई, ठहर जा, हम तेरे हाथ जोड़ते बैठ जा हुआ, अब तू हुआ जाके अपना मुंह काला मत कर लेना। मतलब? मतलब ये कि ये जो झोपड़पट्टी वाले गरीब लोग होते हैं ना साले, इनके खोपड़िया में बारूद भरा होता है, अच्छी अच्छी सरकार का तख्ता उलट देते, तुम का चीज हो? हम तुमसे कहते हैं जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता हम तेरे आगे हाथ जोड़ते कुछ करना नहीं, वरना कहीं अपोजिशन वालों को पता चला तो जीना मुश्किल, रोज मोर्चा निकलेगा, रोज नारेबाजी होगी, बर्बाद होके रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उन झोपड़पट्टी वालों को वहां से हटाओ, मगर एक तुम हो, अपनी कुर्सी का बिल्कुल फायदा ही नहीं उठाते। अरे उस जगह एक आलीशान फाइव स्टार होटल खड़ा करेंगे, करोड़ों रुपए का फायदा होगा, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो आज तक नहीं हुआ वो हो जाने दो, वरना वो दिन दूर नहीं कि आजाद की तरह झोपड़पट्टी का हर आदमी तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी भी धुलाई कर दे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस। तुम्हारे दिल जैसा ही तुम्हारा सब कुछ बढ़िया, घर गृहस्थी जीवन। बैठिए। थैंक यू। बोलिए आपकी प्रॉब्लम क्या है? रातों को नींद नहीं आती, सांस लेना भी मुश्किल हो गया, दर्द सिर्फ छाती में नहीं पेट में भी है। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? ये कोई डॉक्टर की डिस्पेंसरी है क्या? पहले डॉक्टर के पास ही किया था, लेकिन उसने कहा अगर तुम्हें कोई दिल की बीमारी हो तो हम इलाज कर सकते हैं, मगर तुम्हारा तो दिल ही नहीं है, इसलिए पुलिस में रिपोर्ट लिखाने आ गया, मगर मुझे तो लगता मेरा दिल किसी ने चुरा लिया है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मेरा एक्सरे देख लीजिए, ये देखिए। देख रही हैं आप, जहाँ दिल होना चाहिए था वहाँ एक होल है, खड्डा। आजाद? हाँ शालू। You bloody rascal, scoundrel, idiot! How dare you come here? अरे 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 अरे, अंग्रेजी के इतने सारे लफ्ज बोलने के बजाय काम के सिर्फ तीन लफ्ज बोल देती, I love you. Shut up! तुम्हारी ये हिम्मत कैसे? मैं जानता हूँ मेरी गुल्ली कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन प्यार का इकरार करने से झिझकती हो। मैं और तुमसे प्यार? सूरत देखिए अपने आईने में। सूरत? प्यार के लिए सूरत की जरूरत थोड़ी पड़ती है, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो अब तक मुझे हवालात में बंद करके मेरे घुटने तोड़ चुकी होती। यू? चलो निकलो यहाँ से, जाते हो कि नहीं यहाँ से? जाता हूँ, मगर मैं कल सुबह 6 बजे तक का मौका देता हूँ, अगर कल सुबह तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा ना तो तुम्हारे हॉस्टल नीचे रेल की पटरी ना वहाँ लेट कर ट्रेन के नीचे अपना सर दे दूंगा, और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। तुम लोग सब गवाह हो। गुड बाय। इंस्पेक्टर शालू, इंस्पेक्टर शालू हाजिर हो। योर ऑनर, कठेरे में खड़ी मुलजिमा शालू पर यह इल्जाम है कि यह आजाद नाम के एक नौजवान से प्यार करती है, मगर अपने अंदर के प्यार को बाहर नहीं आने देती, जिसकी वजह से वो खूबसूरत नौजवान अपनी जान देने पर तुला हुआ है। अगर उसने जान दे दी तो उसकी जिम्मेदारी ये मुजमा होगी। योर ऑनर, ये गलत है। योर ऑनर, मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, एक गुंडे मवाली से कैसे प्यार कर सकती हूँ? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ये प्यार करती है, इसका मेरे पास ठोस सबूत है, जो मुलजिमा के तकिए के नीचे से पाया गया, ये गुल्ली। ऑर्डर, ऑर्डर, ऑर्डर।
प्यार की शुरुआत ही इस गुल्ली से हुई थी मिलोर। इस गुल्ली के जरिए ही आजाद इसके दिल में छेद करके अंदर घुसा था। आजाद ने ये छेद वाला एक्सरे मुलजिमा को दिया था। ये भी मुलजिमा के बेडरूम से बरामद हुआ है। आजाद का दिल मुलजिमा के प्यार में किस बुरी तरह जख्मी होकर गायब हो गया है ये साबित करने के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए योर ऑनर? आप खुद ही देखिए। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मुलजिमा को इस जुर्म की माकूल सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। इन सबूतों से ये जाहिर होता है कि मुलजिमा शालू आजाद से प्यार करती है। अगर कल सुबह तक तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो तुम्हारे हॉस्टल के पीछे जो रेल की पटरी है ना वहां लेट कर ट्रेन के नीचे अपना सर दे दूंगा और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी। मैं कहती हूँ उठो यहाँ से। अब यहाँ से मैं नहीं, मेरी लाश ही उठेगी गुल्ली। 5 मिनट में ट्रेन आती होगी। अगर 5 मिनट के अंदर तुमने मुझे आई लव यू नहीं कहा तो मैं यहीं लेटा रहूंगा और ट्रेन के नीचे अपनी जान दे दूंगा। आजाद क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? उठो प्लीज। पहले तुम मुझे आई लव यू कहो और वो माला उठाकर मेरे गले में डाल दो, मैं फटाक से उठ जाऊंगा। अरे सोच क्या रही हो, गर्दन धड़ से अलग होने के बाद फैसला करोगी क्या? नहीं, पटरी हिलने की आवाज मेरे कानों तक आ रही है, मतलब ट्रेन आ रही है, जल्दी करो। लगता है ये माला तुम मेरी लाश पर ही डालोगी। आई लव यू आजाद, आई लव यू। आज रेल हड़ताल, यू चीट। आज रेल हड़ताल है इसलिए पटरी पर आकर लेते हो। वो तुम एक नंबर के गुंडे बदमाश शर्म वाली हो। मगर शालू, शालू वालू कुछ नहीं, तुम एकदम चालू हो। हाँ। मगर फिर भी तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो।
चल दिल ही दिल में हाथ मल जो तेरी चाल देखे ठुमक चल दिल ही दिल में हाथ मल जो तेरी चाल देखे प्यार का तू जाल डाले हुई मैं तेरे हवाले कोई ये कमाल देखे तुझे देख देख नाचूं मैं बिना तेरे कैसे रहूं मैं तेरे बिना ही न पाऊं मैं झूमता हूँ आसावन मेरी मोरनी तू मन आ रहे हैं। अरे साहब आप एक काम करो आप चलो हम आते हैं चल नमस्ते नमस्ते कहिए क्या सेवा करें आप लोगों की आप तो जानते हैं पिछले 20 वर्षों से हम यहाँ रह रहे हैं मगर अभी तक हमें राशन कार्ड नहीं मिला क्या बात करती हाँ पीने के पानी की बहुत तकलीफ है अच्छा आप लोग एक काम करो अपना अर्जी दो हम उस पर रोशनी डालूंगा और फौरन जो उसका काम करा दूंगा जल्दी लाओ जल्दी लाओ भारत देश में यही तो चलता है खाली एप्लीकेशन चलता है काम नहीं चलता है अभी देखो हम कैसे काम को बढ़ावा देते हैं जल्दी करो बाबू अच्छा लिखा है ना ऐसा ना हो दूसरी बस्ती का काम कराए ढले अरे कितना प्यारा बच्चा तुम्हारा बच्चा है अरे अच्छा तो भाइयों अपने अपने घर जाओ सुखी रहो हम फिर आऊंगा चलो जाओ जाओ जय राम जी की बहुत सुखी रहो अरे काहे गाड़ी पे पार्टी को फटाक देनी से पटक रहे हो लगता है कि तुम्हें शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है आए? उस दिन तुम तैश में आके क्या कह रहे थे का? कि मैं बस्ती वालों को बर्बाद कर दूंगा तबाह कर दूंगा उनको निकाल दूंगा मिटा दूंगा और आज उन्हीं की अर्जियां ले रहे हो उन्हीं की शिकायतें सुन रहे हो अरे हम स्लम क्लियरेंस बोर्ड का चेयरमैन बनना चाहता हूँ ना तो थोड़ा सा नाटक कर रहा था और कुछ नहीं साहेब लगता है कि तुम उनके साथ ही नहीं हमारे साथ भी नाटक कर रहे हो अरे नहीं सरकार तुम तो हमारे अन्नदाता हो हमारे माई हो हमारे बाप हो हमारे माई बाप हो तुम्हारे साथ नाटक करके किसी को मरना है का तो फिर हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि झोपड़पट्टी यहाँ से खाली करवाओ हमें यहाँ पर एक 5-स्टार होटल बनाना है हमेशा हाँ हाँ करते हो लेकिन करते कुछ नहीं हो अच्छा चलो आज गुस्सा थूक दो आप यही चाहते हैं ना कि ये झोपड़पट्टी ही आना रहे तो चलो कल हम अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा तुम्हारे जन्मदिन ना मनाने से झोपड़पट्टी हटने का क्या संबंध बहुत बड़ा संबंध है साहेब जैसे हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट काम से संबंध है ना वैसे बस्ती वालों का हमसे संबंध है ये बस्ती वाले हमको वोट देते हैं तो हम इलेक्शन में जीतते हैं अब कल इनकी बस्ती जलकर राख हो जाएगी तो ऐसे गम के माहौल में हम अपने जन्मदिन की खुशियां कैसे मना सकते हैं
फिर समझ में नहीं आया तो एक काम करो, कल के अखबार में खबर पढ़ लेना। आदत भैया, आदत भैया, अपनी बस्ती में आग लगी नहीं, लगाई गई है। कौन लगा सकता है? वो बिल्ला लोहार है ना, वो ऐसा काम करता है। कल मैंने उसको अपनी बस्ती के आसपास घूमते हुए देखा था। नमस्कार। आगे बता। क्या कर रहे हो? भाई साहब देखो, पूरी बस्ती जलकर खाक हो गई, हमारे घर जल गए, हम कहाँ जाएंगे? नहीं, बता, नहीं, बता। हम आपको कौन सी भाषा में धीरज दें, कौन सी भाषा में आश्वासन दें, हमारे पास शब्द नहीं है। हम थोड़ी सी भेंट लाए, गरीब की भेंट स्वीकार कर ले। चले भाई बहनों को खाने का पैकेट दो, जल्दी करो, चलो चलो ले आओ, सब भूखा है, चलो। सो सामान चल गया, उसका नुकसान तो पूरा कर देंगे, लेकिन इस बेचारे की मासूम बच्ची चलकर राख हो गई, उसे कौन वापस लाएगा? अरे नहीं बहन, भगवान के लिए नहीं रो। अरे जब तोरा दुख हमसे नहीं देखा जाता है तो ये बेचारी तो माँ है, इनके दिल पर का बीत रही होगी मच्छी तरह जानते हैं। हम भी डरबट डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमको मालूम है जब किसी माँ की औलाद बिछड़ जाती है तो उसका कलेजा फट जाता है। ना माँ, ना ना, ना ही रो, हम हैं, चिंता नहीं कर। न जाने वो कौन राक्षस है जिसने हमारी बस्ती में आग लगाई। नहीं नहीं बहन जी, ऐसा गलत मत सोचिए, हम पूरा तहकीकात कराया हूँ तो पता चला कि दुर्घटना का जिम्मेदार और कौन नहीं है, एक अंबकर ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट है, इसमें से चिंगारी निकलता है तो थोड़ा सा चिंगारी उड़ के झोपड़ा पे गया और झोपड़ा में आग लग गया, तो ऐसा हो गया। लेकिन आप लोग चिंता नहीं करो, हम दूसरा सुरक्षित जगह ढूंढ रहा हूँ और जैसे ही जगह मिलेगा आप सबको यहाँ से निकाल के वहाँ आराम से बसाए देंगे। कौन? मुझे नेताजी हिरात मिश्र ने आग लगाने के लिए कहा था, और हम कसम खाता हूँ कि जब तक आप लोगों का दुख दर्द दूर नहीं करूंगा चैन से नहीं बैठूंगा, ये हमारा वादा है डरबा डिस्ट्रिक्ट वाले का। तब हम चलता हूँ, जय राम जी की। ठीक ठीक ठीक, कतना गंदा बस्ती है यहाँ तो, फिर माना जी। चले ड्राइवर, तू कहा रुका हुआ है क्या? तेरी तो ए रुक, खाओ खाओ उस कमीने के दीवे छूटर, खाओ। अरे बेवकूफो, कब अकल आएगी तुम लोगों को? पहुंचो तुम लोगों के आंसू पहुंचने का नाटक करके गया ना, उसी हरामजादे ने अपनी बस्ती में आग लगाई है। ठीक कह रहे हो साहब भैया, हाँ ठीक कह रहे हो, उसी ने यह चाल चलिए अपनी बस्ती खाली करवाने के लिए। खबरदार, जो नेताजी के बारे में कुछ शराब शराब बोला तो सवाल खींचूंगा तेरी, समझता क्या है अपने आप को? उल्टी सीधी बातें करके लोगों को भड़का रहा है क्या नेताजी के खिलाफ? है कोई सबूत, है कोई गवाह तेरे पास? अरे सबूत है वो, तू गवाही दे सकता है? नहीं नहीं नहीं, मैं गवाही नहीं दूंगा, वो मेरे बच्चों को मार डालने के आजाद भैया, मुझ में रहम करो, रहम करो आजाद भैया। चुप क्यों हो गया? चल बता। और तुम लोग सुनो, इसकी बातों में मत आना, हमारे नेता तो देवता है, देवता, और देवता कभी पाप कर सकते हैं? अरे दोबारा नेताजी पे इल्जाम लगाया ना तो सीधे अंदर कर दूंगा, टांगे तोड़कर सारी हीरोगिरी निकाल दूंगा, समझा क्या? हाँ मैं पागल हो गया हूँ, आज मैं उस नेता को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसे मार डालने से क्या होगा आजाद? क्या हमारी तकलीफें दूर हो जाएंगी? ये जली हुई बस्ती क्या फिर से बच जाएगी? चंपा मौसी की बच्ची क्या फिर से वापस लौट आएगी? तो मैं क्या करूँ, सब कुछ जानते हुए भी हाथ पर हाथ धरे बैठा रहूं। आजाद भैया, आजाद भैया, तुम्हारा लेटर पोस्टमैन देकर गया। क्या हुआ, किसकी चिट्ठी थी? आपने जो इंस्पेक्टर बनने की अर्जी भेजी थी ना, उसी का इंटरव्यू लेटर आया। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने अभी अभी पूछा था ना कि मैं क्या करूं, तुम्हारे सवाल का जवाब अपने आप मिल गया है, तुम इंस्पेक्टर बन जाओ आजाद। अरे मुझे नहीं बनना इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर आखिर
फिर तुम पुलिस की नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? क्या बुराई है उसमें? पुलिस की नौकरी और मेरे मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है काकी। अरे नहीं जमेगी मुझे पुलिस की नौकरी। क्यों नहीं जमेगी आजाद? हम लोगों के पास है ही क्या? भूख, गरीबी, लाचारी, दौलत और ताकत तो अमीरों के पास होती है। उनसे लड़ने के लिए हमें कोई तो सहारा चाहिए। जरा सोचो बेटा, हम गरीबों के दुख दर्द समझने वाला तुम जैसा कोई हमदर्द अगर पुलिस का अफसर बन जाए तो हम लोगों के लिए कितना बड़ा आसरा हो सकता है। आजाद भैया, तुम पुलिस वाले बन जाओ और हमारी मुन्नी को जलाने वालों को खूब मारो। ऑफिस में गया, बड़े बड़े मंत्री लोग से मिला, मगर ऐसा कोई कानूनी सबूत है ही नहीं कि आप लोग यहाँ गुजिश्ता पिछले 20 साल से रहते हैं। बस जैसे झटका आपको लगा वैसे हमको भी लगा, मगर क्या करें, बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि आप लोगों को ये जगह खाली करना पड़ेगी। आप क्या करें, कानून कानून है और कानून का कान नहीं खींचो नहीं तो खून निकल आएगा। अरे वारे, हमारा नेता आज तो कानून की बात करता है। 20 बरस से हम बोलता है हमारा राशन कार्ड बनवाओ, वो नहीं बनवाया, और आज जगह खाली करने को बोलता है। अरे इसने सब कुछ कराया है, सारे फसाद की जा रही है, मारो साले को। गोली में चले ही, हम खुद करावा नहीं जाते, हम चले जाते, हम बस्ती के उधर चले जाते हैं। बस्ती वालों चलो चलो, हम यहाँ से जाते हैं, चलो, चलो। राशन कार्ड, इतना जल्दी इतना सारा राशन कार्ड बन कैसे गया? ठीक उसी तरह नेताजी, किस तरह इतनी जल्दी बस्ती तोड़ने का ऑर्डर आ गया। आजाद बेटा, हमको नहीं लगता कि तुम इन लोगों को ज्यादा दिनों तक बस्ती में रख सकोगे। कहा है कि म्युनिसिपैलिटी वाले कोर्ट में केस तो जरूर करेंगे। केस तो हम भी लड़ेंगे नेताजी, क्योंकि केस कोई भी हो, अपने देश में 10-15 बरस तो चलता ही है। 20 बरस का सबूत यह राशन कार्ड है और 10-15 बरस का सबूत आपकी सरकार खुद ही दे देगी। क्यों नेताजी, जाने से पहले एक सलाह सुनते जाइए।
गरीबों को इतना सताना अच्छा नहीं कि वो मरने को तैयार हो जाए, क्योंकि जिस दिन गरीब ने मरने का फैसला कर लिया, कोई भी अमीर जी नहीं पाएगा। आपकी छुट्टी हो गई, जाते जाते चार्ज तो देते जाइए। खुद ही अंदर जाकर ले लो। ले लेता हूं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। ये पलंग तोड़ पान खास आपके लिए। सर सर वो हमारे हेड कांस्टेबल हरी दादा हैं। 30 साल हो गए उनको पुलिस की नौकरी करते हुए, लेकिन आज तक नहीं सुधरे। जी हाँ सर, ये ऐसा बेवकूफ पुलिस वाला है कि जब भी बस में सफर करता है टिकट लेकर करता है। माफी चाहता हूँ सर, 4 दिन की छुट्टी पर चला गया था, इसलिए पहले दिन आपके स्वागत के लिए आ नहीं सका। कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। सर ये हमारी बिरादरी का है ही नहीं, भगवान ने इसे 3-3 बेटियां दी हैं, फिर भी रिश्वत नहीं लेता। और सर इसकी बेटियों की शादी कैसे होगी ये तो मेरी समझ में आता ही नहीं है। 85 साल की उम्र हो गई उनकी। 85 साल मतलब तीनों बेटियों की मिला के। सर अभी तक एक की भी शादी नहीं हुई। हरी दादा। यस सर। जानते हो भगवान ने पुलिस वाले को 2 हाथ क्यों दिए? क्यों सर? एक हाथ तनख्वाह लेने के लिए और दूसरा हाथ रिश्वत लेने के लिए। लेकिन मैंने सुना है कि तुम अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल ही नहीं करते। आपने ठीक सुना है सर, और मैं इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता। नहीं करना चाहते? हरी दादा, यह असूल सिद्धांत सच्चाई ईमानदारी, ये जितने भी बड़े बड़े लफ्ज है ना, ये दुनिया के बेउसूल और बेईमान लोगों ने बनाए। सर मेरा मानना यह है कि जब दूसरे डिपार्टमेंट के लोग कोई गलती करते हैं तो उसका बुरा असर सिर्फ उस डिपार्टमेंट पर पड़ता है, लेकिन जब हमारा पुलिस डिपार्टमेंट कोई गलती करता है तो उसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। हरी दादा ये बेवकूफी की बात है। अगर ईमानदारी से जीने का मतलब बेवकूफी है तो मैं अपनी नौकरी के बचे हुए दिन भी बेवकूफी में ही गुजारना पसंद करूंगा। तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेरे दिल की आग तेरे दिल में जलने लगी, सपनों की डोली में तेरे संग में चलने लगी, सपनों की डोली में तेरे संग में चलने लगी। Thank you.
मिल गई मुझे खुदाई। था ना कि मैं शादी करना चाहता हूँ, यही हो लड़की। शालू, रूपा मेरे बचपन की साथी है, हम दोनों साथ ही खेलते खेलते बड़े हुए हैं। आज मैं जो इंस्पेक्टर बना हूँ ना, इसी की वजह से। हमेशा अलग अलग अर्जियों पर मेरे दस्तखत कराती रहती थी। अच्छा, फिर तो मुझे इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। रूपा, लड़की अच्छी लगी ना? अरे हूँ क्या करी, अच्छी नहीं लगी तो साफ साफ बोल दे, मैं शादी का प्रोग्राम कैंसिल कर दूंगा। नहीं नहीं आजाद, लड़की बहुत अच्छी है, और फिर क्या तुम्हारी पसंद कभी गलत हो सकती है? ये लो इस खुशी के मौके पर मुंह मीठा कर लो। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ। रूपा, चाय तो पी कर जा। नहीं, दुकान पर कोई नहीं है। अरे रूपा, क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? आजाद मुझसे नहीं, किसी और से शादी करना चाहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाके पूछती हूँ। नहीं नहीं पुष्पा, आजाद को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं उसे चाहती थी। मैं उसका प्यार तो नहीं पा सकी, अब मैं उसकी दोस्ती नहीं खोना चाहती। वो खुश रहे, बस उसी में मेरी खुशी है। आजाद भैया, आजाद भैया, आजाद भैया। क्या बात है भैया? वो अपना चंदू है ना, उसको उसके मालिक ने नौकरी से निकाल दिया है। बेचारे के पास काम ही नहीं है, घर में बैठा है, रो रहा है बेचारा। हाँ भैया, वो कोई छोटा मोटा धंधा करना चाहता है, आप ही कोई रास्ता निकालिए ना। चलो चलो मेरे साथ। करें? ओ यस सर। एक काम करो। जी साहब। एक कागज पर लिखो, इंस्पेक्टर साहब, हमारी साइकिलें जो चोरी हुई थी वो हमें वापस मिल गई, उस कागज पर इन बच्चों के दस्तखत ले लो, और ये सारी साइकिलें इन्हें दे दो। क्या सर, इन साइकिलों के मालिक ये बच्चे हैं? ये मेरे बच्चे हैं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। अब क्या बे, कहाँ जा रहे?
है, सारी साइकिलें ले गए ना। अरे यहाँ हवलदार की नौकरी करने से तो अच्छा किसी मदारी के पास बंदर बनकर रहता। जीप भी गई। साहब साहब साहब, गजब हो गया साहब, गजब हो गया। वो बच्चे साइकिलों के साथ साथ बाहर खड़ी हमारी पुलिस की जीप भी उड़ा के ले गए। अरे तो फिर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? एक काम करो, रिपोर्ट लिखो। रिपोर्ट? कि पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ी भी फला रंग की फला नंबर की पुलिस की जीप फला तारीख को चोरी हो गई, हम एक्शन लेंगे। मेरी प्यारी प्यारी बहन, क्या हो गया, ये इस तरह वैन से लिपट कर क्यों रो रहा है? अरे यार खरे, तू तो जानता है ये वैन हमारी कितनी पुरानी साथी है, अगर कहीं जीप की तरह ये भी गायब हो गई तो सरकार हमको दूसरी वैन तो देगी नहीं, फिर हम दोनों को हर जगह पैदल ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहा खोटे। अरे इतने सालों से साइकिलें यहाँ यतीमों की तरह पड़ी थी, मगर हम में से किसी को ये आइडिया तक नहीं आया कि कम से कम उनकी हवाई निकाल दें, मगर हमारे साहब ने उन साइकिलों का क्या रास्ता निकाला है, वाह। और एक बात गौर से सुन। क्या? आज के बाद ड्यूटी के समय जब हम लोग सोते हैं ना, तो उस समय कम से कम हमारे हाथ पांव की उंगलियां हिलती रहनी चाहिए। क्यों? ताकि साहब समझे कि हम लोग जाग रहे हैं। हाँ। वरना एक दिन हम लोगों की वर्दी तक उतार कर बस्ती वालों को दान कर देगा वो बस्ती का बादशाह। जसवंत, जब गज साहब को पता चलेगा कि हम 8 करोड़ नकली नोट के बदले 4 करोड़ असली नोट लाने में कामयाब हो गए तो बहुत खुश होंगे। खामखा लोग आजाद आजाद कह के हमें डराते हैं। अरे क्या बिगाड़ लिया आजाद ने हमारा। कौन है वो कमीना इंस्पेक्टर? आजाद। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें सरकारी मेहमान बनाने आया हूँ। जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? हाँ जानता हूँ। मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूँ जो भेड़े की खाल में एक भेड़िया है, जो एक बहुत बड़ा गुनहगार है। चलो मेरे साथ। आज तुमने बहुत बड़ी हरकत की है इंस्पेक्टर। आज तक गर्ग के गिरेबान पर किसी ने हाथ नहीं डाला और आज तक मेरे हाथों से किसी मुजरिम का गिरेबान नहीं बचा। कानून की हद शायद तुम नहीं जानते इंस्पेक्टर। बिना किसी सबूत के किसी इज्जतदार आदमी के गिरेबान पर हाथ डालने के जुर्म में तुम्हारी ये वर्दी भी उतर सकती है। मैं कानून की हद भी जानता हूँ और उसका इस्तेमाल भी। शायद तुम ये नहीं जानते कि इस वक्त तुम्हारे कई आदमी मेरे लॉकअप में, जिन्हें रंगे हाथों मैंने पकड़ा है। वो आदमी मेरे हैं और मेरे लिए काम करते हैं, ये साबित करना इतना आसान नहीं है इंस्पेक्टर। अच्छा? ये सब आजाद भैया ने भेजे, वो बोले जो लोग बेकार बैठे हैं वो धंधे में लग जाएं। आइए गर्ग साहब आइए। अरे नेताजी आप लोग आए, मेरे क्लब में 4 चांद लग गए। ये सब आप ही की मेहरबानी है कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आजाद साहब, अपने कुछ दोस्तों से आपकी दोस्ती करवाना चाहता हूँ। ये है गर्ग, अरे इनको तो आप जानते ही हैं, और ये है मिश्रा जी। राम राम। इन्हें भी जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इरावत मिश्रा साहब, देश के लीडर, गरीबों के बहुत बड़े मसीहा ये। अरे पुरानी बातों को भूल जाओ आजाद बाबू, हमारे साथियों के साथी हो तो हमारे भी साथी हुए ना तुम। नहीं नेताजी, मैं आपके साथियों का साथ इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये गरीबी हटाकर अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आपका साथ इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आप गरीबों को हटाकर अमीर बनना चाहते हैं। अरे नहीं आजाद, हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट में कहते हैं कि जहाँ ज्यादा फायदा हो वहाँ थोड़ा सा नुकसान हंस खेल के बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अब तुमसे दोस्ती करना है तो गरीबों को हटाने का ख्याल दिल से निकालना पड़ेगा। अरे मिस्टर आजाद, यूँ समझो कि आज से वो बस्ती तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। अरे मिश्रा जी तो क्या, हम में से कोई भी उस बस्ती की तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा, ये मेरा वादा रहा। क्यों मिश्रा जी? हा? अरे हाथ लाओ यार, ये हुई ना दोस्ती वाली बात।
गली 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 तू अनार गली, हजार जाने मिले जो मुझको तुझ पर फिदा करूं, तेरे हुस्न का चर्चा गली गली, तेरे हुस्न का चर्चा गली 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 में अनार गली 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 में अनार गली, हजार जाने मिले तुझको तुझ पर फिदा करूं, तेरे प्यार का चर्चा गली गली, तेरे प्यार का चर्चा गली 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 गली। किसी मुजरिम से हफ्ता वसूल करने? क्या? क्या कहा आपने? मैं सच कह रहा हूँ, वो दिन दूर नहीं जब रिश्वतखोरी के इल्जाम में आजाद भी मुजरिमों की तरह जेल की सलाखों के पीछे होगा।
आपका मतलब मेरा आजाद रिश्वतखोर है? रिश्वतखोर शब्द तो आजाद के लिए बहुत छोटा है बेटी। सच तो ये है कि वो पुलिस की वर्दी में एक गुंडा है। शायद ही इस शहर में कोई ऐसा मुजरिम होगा जिससे वो हफ्ता ना वसूल करता हो। अब तो किसी भी मुजरिम पर हाथ डालो तो वो एक ही धमकी देता है। जानते हो हम किसके आदमी हैं? आजाद साहब के। अब तो उनकी बेईमानी और रिश्वतखोरी इस हद तक बढ़ गई है कि कोई भी मुजरिम पुलिस स्टेशन में ही आके हम लोगों को मारे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी। देखो, मैंने तुम्हें बेटी की तरह समझा है, इसीलिए तुमसे कह रहा हूं अगर हो सके तो उससे दूर रहो, वरना जिस कीचड़ में आजाद डूबा है उसके छींटों से तुम्हारी वर्दी भी बच नहीं पाएगी। जिस खामोशी से आए हो आजाद, उसी खामोशी से वापस चले जाओ। खामोशी से वापस चले जाऊं? क्या बात है शालू, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? हाथ मत लगाओ मुझे। शालू, छुओ मत। और इतना समझ लो, हम दोनों के बीच जो रिश्ता था वो टूट गया है आज से। क्या कहा तुमने? रिश्ता टूट गया? क्यों क्यों क्योंकि तुम पुलिस की वर्दी पहनने के बाद भी आज तक एक मुजरिमी हो। गर्ग, हीरावत और काटकर जैसे मुजरिमों के साथी हो। बेईमान हो, रिश्वतखोर हो। हाँ, मैं बेईमान हूँ, रिश्वतखोर हूँ, और आज के जमाने में हर आदमी रिश्वत के दम पर ही जिंदा है। जो जितनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है ना, उतना ही बड़ा बेईमान है। होगा, मगर मेरा उनसे क्या रिश्ता? मैं तो सिर्फ तुम्हें जानती हूँ, सिर्फ तुम्हें। और तुम, आज तुम्हें फैसला करना होगा आजाद, तुम्हें शालू चाहिए या दौलत। नफरत करता हूँ मैं दौलत से और इन दौलत वालों से, मगर मेरी बस्ती वालों के लिए मुझे दौलत चाहिए। ये ईमानदारी और सच्चाई का भाषण देने से पहले जाओ, जाकर देखो उन गरीबों की बस्तियों में, जब भूख लगती तो उनके बच्चे किस तरह रोते हैं, जब अमीर लोग उनके झोपड़े चला देते हैं तो किस तरह बेसहारा हो जाते हैं, जब सरकार के ठेकेदार उन्हें घर से बेघर करते हैं तो किस तरह गिड़गिड़ाते हैं। जाओ जाकर देखो। उनके दुख दर्द गिनाने से तुम्हारा गुनाह करना जायज नहीं हो जाता? अरे जायज नाजायज मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि उन गरीबों की तकलीफें दूर करने के लिए मैं पुलिस में भर्ती हुआ हूँ, और उसके बाद भी मैं उनके आंसू नहीं पहुँच सका तो मेरे लिए वर्दी का कोई मतलब नहीं। और अगर तुम ये वर्दी पहनने के बाद भी गुनाह करते रहे तो मेरे लिए तुम्हारा कोई मतलब नहीं। ठीक है शालू, तोड़ दो मुझे रिश्ता, छोड़ दो मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे लिए, अरे तुम्हारे लिए क्या, मैं किसी के लिए भी उन गरीबों को नहीं छोड़ सकता। क्यों बे खोटे, जो भी मिला मुंह में डाल लिया है? मैं तो खाली चख कर देखता हूँ। चखी देखता हूँ। फूल रखा, फूल रखा। क्या बात है, क्या हो रहा है ये सब? सर, आज आपका आखिरी दिन है ना? आखिरी दिन? हुजू, क्या बकवास कर रहा है? इनका आखिरी दिन नहीं, इनकी नौकरी का आखिरी दिन है। वही। अरे दादा, आज 30 साल की नौकरी के बाद आप रिटायर हो रहे हैं, इसलिए आजाद साहब ने कहा है कि आपको पूरी इज्जत के साथ विदा करना चाहिए, बस इसीलिए टी पार्टी रखी है, छोटी पार्टी। अरे आप लोगों का प्यार इतना है, टी पार्टी की क्या जरूरत है? चोर कहीं का? ये मेरे मुन्ने के लिए था। पूरे 10,000 रुपया है, रख लो, और अंदर जो हमारा आदमी है उसे छोड़ दो। क्या तुम मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी ये हिम्मत? इनको हमारी हिम्मत पे शक है, लगता है कुछ ना कुछ करिश्मा दिखाना पड़ेगा। अरे नहीं भाई, अरे भाई क्यों खाम खा पंगा ले रहे हो? अगर नहीं छोड़ना चाहते तो कोई बात नहीं, चाबी हमें दे दो, हम खुद छुड़ा लेते हैं। अरे दे दो ना भाई, निकल जाओ यहाँ से, वरना तुम दोनों को भी अंदर कर दूंगा। हमने सोचा था हम आसानी से अपने आदमी को लेकर चले जाएंगे, पर अब ऐसा लगता है तेरी जान लेनी पड़ेगी। चिता, कैसे बात करते साहब से? चाबी दे दो, छोड़ो मेरा हाथ, चाबी दो। ये सब,
मुझे जिंदगी से रिटायरमेंट मिल गई सर। ऐसा मत कहिए हरी दादा, ऐसा मत कहिए। नहीं सर, मुझे खुशी है कि आखिरी सांस तक मैं अपना फर्ज ईमानदारी से निभा सका हूं। सर सर, एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए इस वर्दी की इज्जत मांगकर अगर आप सच्चे पुलिस ऑफिसर बन सके तो मेरी आत्मा को खुशी मिलेगी सर। ईमानदारी और सच्चाई का भाषण। और इतना बताइए, क्या आप अपनी बेटी की शादी के लिए इन रुपयों की जरूरत है कि नहीं? कुछ सोचा है आपने, किस तरह करवाएंगे शादी? नहीं सोचा। हाँ, लेकिन इतना जरूर सोचा है कि मेरी बेटी की शादी बेईमानी और रिश्वत के रुपयों से नहीं होगी। रुपया रुपया होता हरि काका, जब भूख लगती तो पेट ये नहीं पूछता कि रोटी बेईमानी की है या ईमानदारी। पेट बेशक ना पूछता हो सर, लेकिन आत्मा जरूर पूछती है। विश्वास नहीं तो जाकर बताइए अपने बस्ती के गरीबों को कि उनके घर के चूल्हे आपकी बेईमानी की आग से जलते हैं, वो लोग भी आपको माफ नहीं करेंगे। जानते हो किसकी तरह बात करते हैं आप हरी काका? बिल्कुल मेरे बाबूजी की तरह। ये तुम्हें अचानक क्या हो गया है? होश में तो हो तुम? आज तक तो बेहोशी था गर्ग, आज पहली बार होश में आया हूं। अब इतना याद रखना, तुम्हारा आजाद मर चुका है। अब इस पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आजाद ड्यूटी पर है। के अंदर यह क्लब बंद हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? इसके सारे साथियों को राउंड अप करके ले आओ। यस सर। आजाद आजाद आजाद, कान पक गए मेरे नाम सुन सुनकर। वो हमारे अड्डे तोड़ रहा है, हमारे आदमियों को पकड़ रहा है, हमारे हर काम में रुकावट डाल रहा है, और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। कैसे नेता हो तुम? अरे हमारे डरबा डिस्ट्रिक्ट में सब हमारे जैसे ही नेता होते हैं, बहुत सोच समझ के काम करते हैं। जब तक तुम सोचते रहोगे मिश्रा जी, वो हम सबको पूरी तरह बर्बाद कर डालेगा। उसके लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या उसकी बदली करा दे, नहीं तो चाकू में तो एक्सपर्ट हूं ही मैं। एक बात बताओ, तुम जब रात को सोते हो तो तकिए की जगह चाकू लगा के सोते हो क्या? जब देखो साला चाकू 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 से काम नहीं चलता है, इधर का चाकू भी कभी इस्तेमाल करना चाहिए। बदली का है? बदली तो हम की दो ही मिनट में करा दें, मगर बदली से बदला तो पूरा नहीं होगा ना गुरु। हम चाहते हैं साले से कोई ऐसा बदला लें कि वो जिंदा तो रहे मगर मुर्दे की भांति रहे। देखो, अगर तुम लोगों को अपने भैया से थोड़ा सा भी प्यार है तो खूब मेहनत से दिल लगा के पढ़ाई करना। लेकिन आजाद भैया, ये अचानक हमको स्कूल में पढ़ाने का भूत कहां से घुस गया तुम्हारे भेजे में? जब से तुम लोगों ने मेरे नाम से रिश्वत लेनी शुरू कर दी, तुम लोगों के बिगड़ने में भी मेरा ही हाथ था, और अब तुम लोगों को सुधारूंगा भी मैं। जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया। अच्छा, बाय बाय बाय। ये तुम क्या कह रही हो रूपा? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आजाद एकदम सुधर गया है। अब वो पहले वाला आजाद बिल्कुल नहीं रहा, भगवान ने उसे सही रास्ता दिखा दिया है। और अब जब वो सही रास्ते पर आ गया है तो फिर उसके साथ तुम्हारा झगड़ा भी खत्म हो जाना चाहिए। उसे तुम्हारी जरूरत है। प्यार करने वालों से उनका प्यार दूर हो जाए तो उनके दिल पर क्या गुजरती है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं आजाद को उदास नहीं देख सकती। मेरे लिए एक बार जाकर उसे मिल लो, सब शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम अच्छी हो रूपा, बहुत अच्छी। ये क्या मजाक है शालू? क्यों, तुम
जब चाहो मेरे पुलिस स्टेशन में आके उद्धम मचा सकते हो। वो तब की बात थी, अब मुझे कोई ड्यूटी पर आकर डिस्टर्ब करे मुझे पसंद नहीं। जियो मेरे आजाद जियो, तुम इतना बदल गए हो ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अभी भी नाराज हो? माफ कर दो ना, माफ कर दो ना। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से आए, आपके घर की तलाशी लेनी है। शौक से लीजिए।
थैंक यू सजय, आओ। आजाद भैया, इन रिश्वत के दुश्मनों को थोड़ी सी रिश्वत देके भेज दे क्या? रिश्वत देकर लोग नहीं सुधरोगे आजाद। ये सब लोग कुछ नहीं, बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। ये रुपए आपके हैं मिस्टर आजाद? नहीं तो? तो फिर ये आपके घर में कैसे आ गए? मैं सच कह रहा हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल रहे हैं आप, आपकी जानकारी के बिना ये आपके घर में कैसे आ सकते हैं? इंस्पेक्टर, बहुत बहुत मुबारक हो। सुना है आजकल अचानक ईमानदार हो गए हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी रिश्वत का माल कम पड़ रहा है? चिले रिश्वत का माल इतना खा लिया है, थोड़ा सा हाजमा खराब हो गया। हाजमा ठीक करने में तो एक्सपर्ट हूँ ही मैं, प्यार से भी कर देता हूँ, नहीं तो चाकू का तो एक्सपर्ट हूँ ही मैं। तो आजकल दौलत वालों से टकराने का जुनून सवार हो गया तुम पर। ये जुनून आज का नहीं, उस वक्त का है जब मैं अपनी माँ की पेट में था। तब तो तुम्हारी माँ का अबॉर्शन करवा के उसकी कोख में ही तुम्हें दफन कर देना चाहिए था, लेकिन तुम बाहर आ गए, ठीक है? अब तो तुम्हारा कोई दूसरा इलाज ढूंढना पड़ेगा। चुप क्यों हो गया? जवाब दीजिए। सर मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये मेरे दुश्मनों की चाल है, मैं निर्दोष हूँ। ये आप कोर्ट में चलकर साबित कीजिएगा। चलिए। मैं जानता हूँ शालू के आजाद बेकसूर है, लेकिन मैं उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। I'm sorry। क्यों सर, क्यों मदद नहीं कर सकते आप? इसलिए कि गर्ग हिरावत और काटकर ताकतवर लोग हैं। हाँ, वो सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि बहुत ही जालिम, चालाक और मक्कार लोग हैं। तुम तो सिर्फ इतना जानती हो ना कि आजाद को फंसाया है उन लोगों ने, लेकिन मैं तो ये तक जानता हूं कि बचपन में उस गरीब को अनाथ भी उन्हीं लोगों ने बनाया था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? यस, बहुत ही बेरहमी से आजाद के पिता को कत्ल करने के बाद उस खून के इल्जाम में आजाद की मां को सजा दिलवाने वाले भी यही लोग हैं। सुनो, आजाद से मिलने जा रही हो, जरूर मिलो, लेकिन इस राज को राजी रखना, वरना आजाद को हमेशा के लिए खो दोगी। तुम जानती हो वो कितना जज्बाती है, अपने मां बाप के खतरों के बारे में जानकर वो खामोश नहीं रह पाएगा, उनका कत्ल करके खुद भी फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा वो, समझी? सारे सबूतों और गवाहों की रोशनी में यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम आजाद गुनहगार है। इसलिए अदालत मुजरिम को 1 साल की कैद। चाचा, आजाद को सजा मत दीजिए, उसके घर से जो रुपए मिले हैं वो उसके नहीं, मेरे हैं। कौन हो तुम? मेरा नाम रूपा है साहब। अगर वो रुपए तुम्हारे हैं तो तुमने इनके घर में क्यों रखे? मैं इसके घर में नौकरानी हूँ साहब, मेरे रुपए हिफाजत से रहे इसलिए मैंने इसको बिना बताए छुपा कर रख दिए थे। क्या एक नौकरानी घर का काम करके इतने रुपए कमा सकती है? मैं जलेबी भी बनाकर बेचती हूँ साहब। अच्छा, तो तुमने जलेबी बेचकर इतने सारे रुपए कमाए? तो फिर जवाब दो, बोलती क्यों नहीं, कहाँ से कमाए इतने रुपए?
रास्ते छोड़कर कहीं नहीं जाना। साला बहुत चर्बी भर गया तेरे अंदर, हाँ? काहे कि तुमको पहचानता नहीं है। हम दरबार डिस्ट्रिक्ट का हूँ। अरे साला तेरे को वो चमक। अबे तुम जब दिखाएगा, मगर आजाद तुम्हारे बेटे का क्या हाल करेगा वो तुम अभी देखो। क्या करेगा तू? अरे झूठ। इसलिए मुझे सस्पेंड किया जा रहा सर? सिर्फ इसलिए कि मैंने एक ऐसे पागल कुत्ते को गिरफ्तार कर लिया जिसने एक मासूम लड़की की इज्जत उड़ने की कोशिश की, उसे जान से मार डाला? नहीं, इसलिए कि उस कुत्ते का बाप एक मंत्री है। मुझे सस्पेंड होने का दुख नहीं है सर, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि आपने मुझे आज सस्पेंड किया। आज जब पहली बार मेरा जमीर जागा है, पहली बार मैंने इस वर्दी की कीमत जानी है। अगर आपने मुझे कल सस्पेंड किया होता, जब मैं सरकार की दी हुई कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहा था, तो मुझे खुशी होती। मगर आपने मुझे आज, मुझे एक सच्चा और ईमानदार पुलिस अफसर बने हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ सर, मुझे चंद दिनों की मोहलत और दीजिए। चंद दिनों में क्या कर लोगे तुम? पिछले 20 सालों से मैंने भी बहुत कुछ करना चाहा, लेकिन कुछ नहीं कर सका, क्योंकि जब भी कुछ करना चाहा, ऊपर से ऑर्डर आ गया। हमें 5 मीटर की ये वर्दी पहनाकर 500 बंदिशों में बांध दिया जाता है। इसे पहनकर हम मंत्रियों और उनके चमचों की गुलामी और उनके तलवे चाटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर एब्सोल्यूटली हेल्पलेस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने मुझे इस गुलामी की नौकरी से आजाद कर दिया। आजाद, अपना ख्याल रखना, बाहर जाते ही वो लोग अब तुम्हें खत्म भी करवा सकते हैं। मेरे बाहर जाने का मकसद ही उन्हें खत्म कर देना सर। और उन्हें खत्म करके जेल की सलाखें गिनोगे? मैं एक दो की गिनती ही जेल की सलाखें गिन गिन के सीखी थी। जा रहे हो? जाओ, लेकिन जाने से पहले इतना बताते जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो क्या चाहती हो तुम? जिन कमीनों ने रूपा की इज्जत पर हाथ डाला, उसे बेमौत मार डाला, उन्हें माफ कर दो, उन हरामजादों को छोड़ दो जिनका कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सका? नहीं आजाद, तुम जरूर लड़ो, उन कमीनों को सजा जरूर दो, लेकिन जाने से पहले मेरे गले में ये मंगलसूत्र पहनाकर मांग में सिंदूर भरते जाओ। तुम होश में तो हो? तुम अच्छी तरह जानती हो जिन लोगों को मैं खत्म करने जा रहा हूँ उसमें मुझे कुछ ही हो सकता है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये मंगलसूत्र तुम्हारी रक्षा करेगा। अगर मौत भी तुम्हारे नजदीक आ गई, तब भी तुम ये नहीं भूल पाओगे कि एक लड़की जिसे आज ही तुमने अपनी पत्नी बनाया है, घर में आंखें बिछाए तुम्हारे वापस आने की राह देख रही होगी। ये मेरा विश्वास है आजाद। और अगर मेरी किस्मत में तुम्हारा साथ है ही नहीं, तो मैं किसी और की सुहागन कहलाने के बजाय तुम्हारी विधवा कहलाना ज्यादा पसंद करूंगी। पहना दो। फालतू टाइम बर्बाद मत कर, जल्दी से स्कूल पहुंच, वरना बाकी 3 बच्चों की लाश भी नहीं मिलेगी तुझे।
मदद करो साहब, गरीब आदमी की कुछ तो मदद करो साहब, भगवान आपका भला करेगा साहब। चल हट यार साहब, सब भगवान आपका भला करेगा साहब। बच्चे का मुंह देख दे दो साहब, बच्चे का मुंह तो देख लो साहब। मुझे मारने से कोई फायदा नहीं होगा, अगर 5 मिनट में तुम मुकेश मिल के कंपाउंड में नहीं पहुंचे तो समझो चौथा बच्चा भी खत्म। बच्चे को छोड़ दो, छोड़ दो, हाँ छोड़ दो, ये ले। पैसे की कीमत घट गई होगी, लेकिन पैसे वालों की कीमत कभी नहीं घटी। 1000 रुपए में हवलदार, 10,000 में इंस्पेक्टर, 1,00,000 रुपए में पूरा पुलिस स्टेशन खरीदने वाला सौदागर हूं मैं, और तू हमसे ही टकराता है। हट! देखा, हमसे दुश्मनी मोल लेने का नतीजा देखा सुवर, तुझको यहां तक लाने के लिए हमको 4 मासूम बच्चों को चिता पे लिटाना पड़ा है, देखा कि नहीं? एक बार छोड़कर देखो मुझे किस तरह चिता जलाता हूं तुम लोगों की। मैं नहीं, चिता तुम नहीं, हम जलाएंगे तुम्हारे इन बच्चों की। हमारी अदालत में दुश्मनों को जल्दी से मारने वाली फांसी की सजा नहीं दी जाती, बल्कि उन्हें धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। ऐसे ले जाके बस्ती में फेंकवा दो, जहां का ये हीरो है उनके सामने दम तोड़ेगा तो उनकी हिम्मत टूट जाएगी, वो लोग हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठा सकेंगे। फेंकवा दो। आजाद
अगर इस गुंडे की बात में आए कि तुम लोगों ने धींगा मस्ती किया तो फिर इतना याद रखना कि हम भी डरबा डिस्ट्रिक्ट का हूँ। वहाँ हम खुद ही नहीं जानते कल ही क्या हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कल क्या होगा। कल अखबार में तुम तीनों का फोटो छपा होगा, नीचे लिखा होगा अब जिंदा नहीं रहे। जेल भिजवा सको मैं नहीं चाहता। अब मेरी तरह फिर कोई जेल के सलाखों के पीछे चरम ले। तुम? हाँ बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं वही यूनियन लीडर सत्य प्रकाश और उसकी निर्दोष पत्नी राजलक्ष्मी का बेटा आजाद हूं, जो आज इन सारे गरीबों को तुम जालिमों के जुल्म से आजाद करवाएगा। अचानक ये आग कैसे लग गई? इससे पहले भी एक बार हमारे बस्ती में आग लग गई थी साहब। उस वक्त हमारे नेताजी ने कहा था, ये दुर्घटना का कोई जिम्मेदार नहीं है, ये ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, उसमें से चिंगारी निकला और चिंगारी उड़ के झोपड़ा में गया। बस साहब इस बार भी ऐसा ही हो गया। सच कह रहे हो तुम लोग? बिल्कुल सच कह रहे साहब, इसमें चिंगारी निकलते खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, बस उसी चिंगारी सारे झोपड़े जल गए साहब। झोपड़े जल गए इसका हमें दुख नहीं, वो तो फिर बन जाएंगे, लेकिन हम गरीबों के देवता जिनको हम जान से ज्यादा चाहते थे, हमारे नेता इसमें जलकर राख हो गए, इसका हमें दुख है। ये नहीं कि उन तीनों की मौत का कारण ये ट्रांसफार्मर ही है? हाँ साहब, हमारे मरे हुए नेता की सौगंध खाकर कहते हैं ये ट्रांसफार्मर ही कारण है साहब। मिस्टर आजाद वेलकम। आजाद आया रे
खुशियां लाया रे। उतरा उतरा चेहरा फिर से चमकाऊंगा, सारे जहां की खुशियां मैं तो लूट के लाऊंगा। आजाद आया रे, खुशियां लाया रे। आया रे, खुशियां लाया।